हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में। नाउ अमेंडमेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो फंक्शन वन से लेके फंक्शन थ्री तक हम लोग ढूंढते ही रह जाते हैं, ठीक है। उनमें से जो जो मैक्सिमम पूछते हैं सर्वेयर वो है सोलास, मारपोल, कॉलरेग एंड STCW। मैंने ये चारों का जो अमेंडमेंट्स है आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए या फिर बहुत छोटे जो होता है शॉर्ट एकदम जितना इजी हो सके आपको समझाने के लिए एक ही वीडियो पे चारों को डाल दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये वीडियो। आप देखते रहिए और नोट्स करते रहिए, ओके। हम लोग पहला अमेंडमेंट्स पे चलते हैं। पहला अमेंडमेंट्स मैंने लिया 16 अमेंडमेंट्स जो एंटर इनटू फोर्स हुआ 1 जनवरी 2020 पे, ठीक है। इनमें से देखते हैं कौन सा अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स एडोप्टेड बाई MSC 96। सोलास का जो अमेंडमेंट्स आता है वो मेरीटाइम सेफ्टी कमिटी डिस्कस करता है या फिर वो अप्रूव करता है और वो डिजिट के मामले में इसको ये करता है, अप्रूव करता है, ठीक है। अभी 96 है, 97, 98 ऐसा वो लोग सोलास का अमेंडमेंट छोड़ता है, ठीक है। तो इसमें 96 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आया सोलास पे, उसमें दिया कि थॉरो एग्जामिनेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशनल टेस्टिंग, ओवरहॉल एंड रिपेयर ऑफ लाइफ बोट्स एंड रेस्क्यू बोट्स, लॉन्चिंग अप्लायंस एंड रिलीज गियर, ठीक है। अभी ये आपको डिटो नहीं करना है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए कि लाइफ बोट, रेस्क्यू बोट का थॉरो एग्जामिनेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशनल टेस्टिंग और ओवरहॉल। ऐसे आप बाकी सब में भी कर सकते हैं, मैं बस मेन मेन जो पॉइंट है वो सब आपको ये करते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर इवैक्यूएशन एनालिसिस टू ऑल पैसेंजर शिप्स, नॉट जस्ट रोरो पैसेंजर शिप्स। नेक्स्ट अमेंडमेंट FSS कोड में आया है, वो है इंटरनल करोशन एंड क्लॉगिंग ऑफ द स्प्रिंकलर्स एंड अ न्यू चैप्टर इन चैप्टर 17, दैट इज द न्यू चैप्टर इन द FSS कोड आया है एक। और एक है रिक्वायरमेंट्स फॉर द हेलीकॉप्टर फैसिलिटी फोम फायर फाइटिंग अप्लायंस, ठीक है। ये तीन MSC 96 में आया है, ओके। अभी MSC 97 में क्या आया है। MSC 97 में आया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज, न्यू रेगुलेशन ऑन हार्मोनाइज्ड सर्वे पीरियड्स ऑफ द कार्गो शिप्स नॉट सब्जेक्ट टू द ESP कोड, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट कमिंग टू द इंटैक्ट स्टेबिलिटी कोड, दैट इज द IS कोड, वो एंकर हैंडलिंग के बारे में आया है एंड लिफ्टिंग एंड टोइंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एस्कॉर्ट टोइंग, ये सेकेंड अमेंडमेंट्स आया है 97 पे। थर्ड अमेंडमेंट FSS कोड पे है, जो हम लोगों का इंटरनेशनल कोड फॉर फायर सेफ्टी सिस्टम पे है। वो क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रू इन पब्लिक स्पेसेस फॉर कैलकुलेटिंग द विड्थ ऑफ स्टेयरवेज। जहाज पे जो स्टेयरवे रहता है उसका जो विड्थ होता है वो एक्चुअली एक कैलकुलेटेड वैल्यू पे बेस किया रहता है। ऐसा नहीं कि आप कितना चौड़ाई पे रख दीजिए, जितना भी आपका जगह है, ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली द क्रू लिस्ट देख के भी होता है कि इतना क्रू आग लगने पे सेफली वो स्टेयर वे पास कर सकता है, इसके हिसाब से भी वो बनता है, ठीक है। उस पे अमेंडमेंट आया था, ओके। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट IGC कोड पे, जो है शिप्स कैरिंग लिक्विफाइड गैसेस इन बल्क, वो क्या बोलता है, अलाइनिंग द व्हील हाउस विंडो फायर रेटिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इतना ही बस काफी है, ओके। अभी MSC 98 पे चलते हैं। MSC 98 पे आया है सब डिविजन एंड डैमेज स्टेबिलिटी रेगुलेशंस, ठीक है, जो बेस्ड है तुम्हारा वाटर टाइट डोर्स ऑन पैसेंजर शिप्स के ऊपर। इसके ऊपर वाटर टाइट डोर्स ऑन पैसेंजर शिप्स के ऊपर सब डिविजन एंड डैमेज स्टेबिलिटी रेगुलेशन, ओके। नाउ सेकेंड अमेंडमेंट, एक नया डेफिनेशन व्हीकल कैरियर का एड हुआ है, ओके। एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कार्गो स्पेसेस कंटेनिंग व्हीकल्स विथ फ्यूल इन देयर टैंक्स फॉर देयर ओन प्रोपल्शन, ओके। इतना ही, बाकी आपको जाने का जरूरत नहीं है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स टू सोलास रेगुलेशन टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर इंटीग्रिटी ऑफ विंडोज ऑन पैसेंजर शिप्स, ये कैरिंग नॉट मोर देन 36 पैसेंजर्स ऑन स्पेशल पर्पज शिप्स विथ मोर देन 60, ये आप नहीं भी याद रखेंगे या फिर नहीं भी आंसर में बोलेंगे तो भी चलेगा। बस आप अवेयर रहना चाहिए इसके बारे में कि जो फायर इंटीग्रिटी ऑफ द विंडो ऑन पैसेंजर शिप पे एक अमेंडमेंट आया है सोलास पे, ओके। अमेंडमेंट्स टू सोलास रेगुलेशन ऑन डैमेज कंट्रोल ड्रिल्स फॉर पैसेंजर शिप्स,
to require such drills to take place on all passenger ships from 2020. अभी पैसेंजर शिप्स पे भी डैमेज कंट्रोल ड्रिल्स मैंडेटरी हो गया है, जो 2020 से लागू होना चालू हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। लास्ट अमेंडमेंट MSC 99 पे बेस्ड है। ये बहुत सारा अमेंडमेंट्स आया है इसमें, ठीक है, मैं जितना शॉर्ट हो सके आप लोगों को बोलता हूँ। सोलस रेगुलेशन पे आया है पहला जो अमेंडमेंट है, वो है कंप्यूटराइज स्टेबिलिटी सपोर्ट फॉर द शिप्स मास्टर इन केस ऑफ फ्लडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आया है अमेंडमेंट्स टू चैप्टर 5 सोलास, दैट इज द अपेंडिक्स टू द एनेक्स ऑफ द कन्वेंशन, रिप्लेसिंग ऑल रेफरेंस इनमारसैट विथ रेफरेंस टू रिकॉग्नाइज्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विस। इनमारसैट को रिप्लेस किया है ए वर्ड ने, रिकॉग्नाइज्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विस। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट IMDG पे आया है, वो है अपना अमेंडमेंट 39-18 इन लाइन विथ लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, रिकमेंडेशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स इंक्लूडिंग न्यू प्रोविजंस रिगार्डिंग IMO टाइप 9 टैंक्स। ठीक है, एंड न्यू एब्रीविएशंस फॉर सेग्रीगेशन ग्रुप्स, मतलब एक IMO टाइप 9 टैंक, टाइप 9 टैंक का एक अमेंडमेंट्स आया है एंड न्यू एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन मतलब जो बेसिक टर्म है IMDG पे, शायद कुछ ऐड हुआ होगा या फिर कुछ चेंज हुआ होगा। ओके, अमेंडमेंट्स टू एनेक्सचर 3 ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर एप्लीकेशन फायर टेस्ट प्रोसीडियर, दैट इज FTP कोड वी ऑल नो, कंसर्निंग द फायर प्रोटेक्शन मटेरियल एंड रिक्वायर्ड अप्रूवल टेस्ट मेथड्स फॉर पैसेंजर शिप्स एंड हाई स्पीड क्राफ्ट। मतलब फायर प्रोटेक्शन का जो मटेरियल्स होता है उसका और उसका जो अप्रूवल एंड टेस्टिंग जो मेथड है उसके ऊपर एक अमेंडमेंट आया है फॉर पैसेंजर शिप्स एंड हाई स्पीड क्राफ्ट। ओके, ये दिखने में बड़ा लग रहा है, नेक्स्ट वाला बहुत छोटा है, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। हम लोग जानते हैं उसको COF के बारे में, COF सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, उस पर क्या आया है, क्लैरिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूव्ड लोडिंग एंड स्टेबिलिटी मैनुअल बुकलेट। ठीक है, अंडर द इंटरनेशनल कोड ऑन कंस्ट्रक्शन। अभी देखिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस पे एक अमेंडमेंट आया है जो IBC कोड, देन IGC कोड, BHC कोड, EGC कोड एंड GC कोड, ये सबका जो COF है उस पर एक अमेंडमेंट आया है। ओके, इतना डिटेल्स में कुछ पढ़ने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि इतना डिटेल्स हम लोग ले भी नहीं सकते इस टाइम पे। ठीक है, आप बेसिक जो बोलते हैं वो लोग, आर यू अवेयर अबाउट द क्वेश्चन, बस उतना ही आप अवेयर है जो एक अमेंडमेंट्स आया है एंड यू नो अबाउट दैट, ये आपको सर्वेयर को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मारपोल अमेंडमेंट्स पे। मारपोल अमेंडमेंट्स एक बहुत हॉटस्पॉट है, मतलब ये पूछता रहता है फंक्शन 3 पे। ओके, देखते हैं कौन सा अमेंडमेंट आया है। ठीक है, अभी मैं 2019 से शुरू कर रहा हूँ, उसका भी पहले है, लेकिन सर्वेयर उतना पीछे मैक्सिमम नहीं जाता और उतना पीछे हम लोगों को याद भी नहीं रहता, कितना आप याद रखेंगे, तो मैं 2019 से आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम 2-3 साल तक सर्वेयर पूछता है, उससे पीछे वो नहीं जाता। ओके, 8 अप्रैल 2019 इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इन FAL कन्वेंशन। ठीक है, दैट इज द फैसिलिटेशन कन्वेंशन। 1 सितंबर 2019 पे क्या आया है, मारपोल एनेक्सचर 6 के ऊपर आया है अमेंडमेंट फॉर NOx, दैट इज द नाइट्रोजन एंड इट्स ऑक्साइड्स, टू मेक क्लियरर एमिशन एंड कंट्रोल एरिया फॉर NOx टायर 3 एमिशन कंट्रोल एरिया। इसके ऊपर 2019 पे अमेंडमेंट आया है रिगार्डिंग मारपोल। ओके, देन 2020 पे क्या आया है वो देखते हैं। 2020 पे 1 जनवरी पे ही आ गया था मारपोल एनेक्सर 6 का एक अमेंडमेंट जो है 0.5% सल्फर एमिशन, सॉरी ये एमिशन होगा, 5 सल्फर एमिशन। 16 अमेंडमेंट्स टू कोड्स जो हम लोग अभी डिस्कस किए MSC 96 से लेके 99 तक। ठीक है, वो मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका, वो सब 2020 पे एंट्री इनटू फोर्स हुआ था। ओके, देन कमिंग टू 1 मार्च 2020 मारपोल अमेंडमेंट जो एनेक्सर 6 के ऊपर बेस्ड है, वो है कैरीज बैंड, दैट इज बंद हो गया था कैरीज बैंड ऑन नॉन कंप्लायंट फ्यूएल ऑयल। ठीक है, देन 1 अक्टूबर 2020 पे मारपोल का आया है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक। देन ये इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक मतलब BDN भी आ गया, एक बंकर डिलीवरी नोड आ गया जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक है, ऐसा ही यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक आया है।
एंड मार्पोल EEDI दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी डिजाइन इंडेक्स का रेगुलेशन फॉर आई स्ट्रेंथनिंग शिप। ठीक है, ओके अभी हम लोग चलते हैं 2021 अमेंडमेंट्स फॉर मार्पोल। ठीक है, 2021 फर्स्ट जनवरी पे जो आया है अमेंडमेंट्स वो है एनेक्स्चर 2 के ऊपर, वो क्या है, कार्गो रेसिड्यूज एंड टैंक वॉशिंग ऑफ फ्लोटिंग इन NLS दैट इज नॉक्सस लिक्विड सब्सटेंस टू स्ट्रेंथन स्पेसिफाइड एरिया डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट्स फॉर कार्गो रेसिड्यू एंड टैंक वॉशिंग फ्लोटिंग प्रोडक्ट। जो डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट है उसका कार्गो रेसिड्यू के ऊपर एंड टैंक वॉशिंग ऑफ फ्लोटिंग अरेंजमेंट उसके ऊपर अमेंडमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रेसिड्यूज इन NLS इन सर्टेन वाटर। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द रेसिड्यू फॉर NLS वो कौन सा वाटर पे है, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन वाटर्स एंड बाल्टिक सी। ओके, अभी चलते हैं 2022 के अमेंडमेंट्स पे। 2022 पे जो अमेंडमेंट्स आने वाला है 1 अप्रैल, सर्वर ऐसा पूछता है कि अभी तो 2022 है कि नेक्स्ट अमेंडमेंट्स मार्पोल का क्या है वो बताओ। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2022 पे जो आएगा वो एनेक्स्चर 6 के ऊपर बेस्ड है, वो है इंक्लूड न्यू डेफिनेशन, कुछ नया डेफिनेशन ऐड हो रहा है जिसका मैं दो एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे सल्फर कंटेंट फ्यूल ऑयल ये एक डेफिनेशन ऐड होगा, या फिर लो फ्लैश पॉइंट फ्यूल ऑयल ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा ही कुछ डेफिनेशन ऐड होगा। देन फ्यूल ऑयल सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग अमेंडमेंट, जो हम लोग फ्यूल ऑयल जो बाहर भेज देते हैं पैकेज करके, या फिर जो एक्चुअली जो हम लोग लोड करते हैं फ्यूल ऑयल उसका जो सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग पे एक अमेंडमेंट आएगा। ठीक है, देन फ्यूल ऑयल वेरिफिकेशन प्रोसीजियर। ओके, देन 1 जून 2022 पे उसका क्या अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट टू बलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स आएगा 1 जून 2022 पे। एंड टेस्टिंग ऑफ बलास्ट वाटर मैनेजमेंट, मतलब जो बलास्ट वाटर का जो टेस्टिंग प्रोसीड्योर चलता है जो पानी को लेके, एंड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बलास्ट वाटर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, जो कोई भी कंट्री पे घुसने से पहले हम लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं बलास्ट वाटर मैनेजमेंट का, उसका जो IMO का जो IMO बेस्ड जो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके ऊपर एक अमेंडमेंट्स आएगा 2022 पे, जो अभी जो प्रेजेंट ईयर है उसके ऊपर। ठीक है, इतना ही था मार्पोल अमेंडमेंट्स, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। अभी कॉलरेक पे अमेंडमेंट्स क्या क्या है, कॉलरेक्स का अमेंडमेंट्स बहुत सारे हम लोग ढूंढते हैं, कुछ मिलता है कुछ मिलता नहीं है, ऐसा बहुत सारा अमेंडमेंट्स है इसमें, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस है वो अडॉप्टेड हुआ था 29 नवंबर 2001 पे। ओके, एंट्री इनटू फोर्स हुआ था 29 नवंबर 2003 पे। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स इंक्लूड न्यू रूल्स रिलेटिंग टू द WIG क्राफ्ट। ठीक है, अब इतना बस एक ही लाइन बोल सकते हैं कि रिलेटिंग टू द WIG क्राफ्ट। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैं ये जो पेज है ये आपके लिए है, आप इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप जो बेसिक जो रूल्स है जैसे रूल 3 पे कुछ अमेंडमेंट्स आया था, रूल 18 पे आया था, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल एक लाइन पे बोल सकते हैं रिगार्डिंग WIG क्राफ्ट अमेंडमेंट्स आया था 2001 पे। ओके, मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यह पेज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, लेकिन आप देख लीजिए एक बार बस। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट्स आया था कॉल रेग में वो है 2007 पे। 2007 का अमेंडमेंट्स एडॉप्टेड हुआ था नवंबर 2007 पे, एंट्री इनटू फोर्स हुआ था 1 दिसंबर 2009 पे, और रिगार्डिंग एनेक्स्चर 4 डिस्ट्रेस सिग्नल। ठीक है, आप एक लाइन में भी ये भी सेम बोल सकते हैं, या फिर आप हम लोग तो एनेक्स्चर 4 डिस्ट्रेस सिग्नल पढ़ते ही हैं, जिसमें हम लोगों को मालूम है कि जो कुछ कुछ मेन पॉइंट चेंज हुआ था, रेडियो टेलीग्राफी जो रिप्लेस्ड बाय एनी हो गया था उसमें। ठीक है, और एक हो गया था जो बेसिक हम लोग अभी भी फेस करते हैं जो रिप्लेस हुआ था, वो है आपका DSC ट्रांसमिटेड जो चैनल 70 MFAJ फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया था, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। एनेक्स्चर 4 जब आप पढ़ेंगे कॉल रेक्स पे तब आपको मालूम नहीं भी होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या है इसमें। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एनेक्स्चर 4 ऑलरेडी पढ़ेंगे जब फंक्शन 1 के लिए, तब आपको मालूम पड़ जाएगा, बस आपको मालूम रहना चाहिए कि 2007 पे ये अमेंडमेंट्स हुआ है। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलता हूँ। ये वाला कॉलरेक का लास्ट अमेंडमेंट है और इससे अभी बहुत सर्वेयर मतलब एकदम पूछता ही रहता है हमेशा। ठीक है, कि लास्ट अमेंडमेंट बताओ कॉलरेक पे, तो 2012 का अमेंडमेंट है लास्ट कॉलरेक का, जो एडेप्टेड हुआ था 2013 पे, एंट्री इनटू फोर्स हुआ था 1 जैन 2016 पे, वो क्या है, पार्ट एफ।
दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कन्वेंशन, जिसमें 39, 40 और 41 ये तीन रूल ऐड हो गया ROR पे, दैट इज कॉल राइट पे. ओके, अभी हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, अमेंडमेंट्स पे. अभी STCW अमेंडमेंट्स, STCW अमेंडमेंट्स पे हम लोग मालूम है कि हम लोग जो STCW अभी कोर्स करते हैं 2010 कहके एक लिखा रहता है अमेंडमेंट्स, उस अमेंडमेंट्स के हिसाब से हम लोग लिखा रहता है सब जगह कि 20H पर 2010 अमेंडमेंट्स. अभी 2010 पे क्या अमेंडमेंट्स आया था ये सर्वेयर पूछता है. कुछ कुछ तो पॉइंट बताओ ये तो बोलते ही वो लोग, ठीक है. मैं एकदम ईजी है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को बोलता हूँ. ओके, देखिए 2010 amendments for STCW जो entry into force हुआ था 1st Jan 2012 पे, ठीक है. revalidation for higher and managerial naval officer for COC का कुछ revalidation पे आया है. new improved training guidance for crews and officer, new requirement for MARPOL awareness including training and leadership work, prevention of fraud rent of COC का जो fraud rent का धंधा चल रहा है उसके ऊपर कुछ आया है amendments. रेस्ट आवर्स इंक्रीज 70-77 पर वीक, रेस्ट आवर्स को बढ़ा दिया गया है. इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर विथ अप्रूव्ड ट्रेनिंग एंड COC, जो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रहता है जहाज पे उसका एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग एंड COC. मोर फैसिलिटी एंड बेटर ट्रेनिंग फॉर जूनियर इंजीनियर. अपडेट ड्रग एंड एल्कोहल पॉलिसी जो जहाज पे होता है उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स आया है. न्यू मेथड्स फॉर एग्डिश ट्रेनिंग, कुछ इंप्रूवमेंट लाया गया है एग्डिश ट्रेनिंग पे. न्यू मेथड फॉर ISPS ट्रेनिंग एंड पायरेसी अटैक, ये तो एक कंटिन्यूस रिविजन साइकिल है जो हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाता है. न्यू मेथड फॉर पोलर वाटर पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है. मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया, इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन एक लिमिट तक हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं एकदम जो मेन आप लोगों को ईजी रहेगा या फिर जो आप खुद से भी याद कर सकते हैं एक बार पढ़ने के लिए, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस किया. ओके गाइस, आज ये चार टॉपिक्स का अमेंडमेंट्स पे ऊपर मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया जो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम. नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ लाने का ट्राई करूंगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.